जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे विलोपन विधि से रैखिक समीकरण के युग्म को हल करना। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। तो दोस्तों इसको हम लगाएंगे, लिखेंगे हल और लिखेंगे दोस्तों दिया है 8x + 5y = 9। और दूसरी जो इक्वेशन है 3x + 2y = 4। दोस्तों इसको मानेंगे समीकरण एक और इसको मानेंगे समीकरण दो। हमें दोस्तों x या y के गुणांक बराबर करने हैं, तो हम दोस्तों x को लेते हैं, लिखेंगे समीकरण एक में समीकरण एक में थ्री से तथा समीकरण दो में 8 से मल्टीप्लाई करने पर, है ना दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पर। तो दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24x + 15y = 27। दूसरा होगा दोस्तों 24x + 16y = 32। इसको मानेंगे दोस्तों इक्वेशन थर्ड और इसको मानेंगे इक्वेशन फोर्थ। अब दोस्तों हम आगे सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण चार में से समीकरण तीन को घटाने पर। अब दोस्तों तो हम माइनस करेंगे, लिखेंगे समीकरण फोर को 24x + 16y = 32। फिर दोस्तों समीकरण तीन को लिखेंगे 24x + 15y = 27। अब दोस्तों हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा और 16 में 5 माइनस करेंगे 1 बचेगा और 1 लिखा नहीं जाता है, ये हो जाएगा वाई। और यहाँ दोस्तों 32 में 27 माइनस करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 5। तो हमें दोस्तों वाई का जो मान आया है y = 5, इसको दोस्तों हमें लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, आगे जस्ट लगाना। तो देखेंगे दोस्तों, लिखेंगे समीकरण एक में रखने पर तो ये हो जाएगा 8x + 5y = 9। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा 8x + 5 × y का मान आया दोस्तों 5 = 9। ये हो जाएगा दोस्तों 8x + 25 = 9। अब दोस्तों 25 प्लस का है, इक्वल किस पर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 8x = 9 - 25। दोस्तों इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा -16। x = 8 × 16 के अपॉन में जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 × 8 = 16, x = -2। तो ये दोस्तों हमने x और y के मान निकाल लिए हैं, y = 5। अब दोस्तों x = -2 और y = 5, समीकरण के युग्म हैं यही है दोस्तों x = -2 and y = 5। फिर दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 4y = 10। दूसरी क्वेश्चन है दोस्तों 2x - 2y = 2। दोस्तों इसको भी सेम हम उसी तरह लगाएंगे, लिखेंगे हल और हल के बाद लिखेंगे दिया है में दोस्तों लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट 3x + 4y = 10। इसको मानेंगे दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट और दूसरे लिखेंगे 2x - 2y = 2। इसको मानेंगे दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन। अब दोस्तों हम क्या करते हैं,
जैसा कि हमने x या y के गुणांक हमें इक्वल करने हैं, तो दोस्तों इसमें भी हम x के गुणांक इक्वल करेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे समीकरण, समीकरण एक में, समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण, तथा समीकरण दो में, तथा समीकरण दो में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। अब दोस्तों जब गुणा करो, समीकरण एक में 2 से करना है, तो यह हो जाएगा 6x प्लस, और दोस्तों यह हो जाएगा 8y इज इक्वल टू, और ये दोस्तों हो जाएगा 20। इसको मानेंगे इक्वेशन थर्ड। फिर दोस्तों आते हैं इक्वेशन टू में, हमको इक्वेशन टू में 3 से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 3 × 6। इसको मानेंगे इक्वेशन दोस्तों 4। अब दोस्तों हमें क्या करना है, समीकरण 3 में 4 को माइनस कर देना है। तो दोस्तों लिखेंगे समीकरण 3 में, 3 में से समीकरण 4 को, समीकरण 4 को, समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 4 को जोड़ने पर। अब दोस्तों लिखेंगे 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। दूसरा लिखेंगे 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब दोस्तों हमें ऐड करना है, दोस्तों इसको कैंसिल कर देंगे, और 8 से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोस्तों 8 से 6 जाएगा, आपका बचेगा 2y, और दोस्तों ये बनेगा 20 और 6 ऐड हो जाएंगे, तो बचेगा 26। दोस्तों y इज इक्वल टू आएगा इक्वल टू 13 आएगा दोस्तों। और दोस्तों अब y का मान उठा करके समीकरण एक में रखना है। दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर। दोस्तों समीकरण एक हमारी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब दोस्तों 3x प्लस 4 इंटू 13 इज इक्वल टू 10। दोस्तों हमारा आएगा 3x प्लस 52 इज इक्वल टू 10। अब दोस्तों 52 प्लस का है, इक्वल के साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 52। दोस्तों माइनस करेंगे, माइनस का 42 आएगा। और दोस्तों अब x इज इक्वल टू 3 से कैंसिल करेंगे, 3 बन जा 3 और 3 4 जा 12। तो x दोस्तों, x का मान आएगा माइनस 4। अब दोस्तों हमने x और y का मान निकाल लिए हैं, तो ये दोस्तों हो जाएगा x माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 14, y इज इक्वल टू 13। दोस्तों यही है समीकरण के हल। लिखेंगे अतः समीकरण के हल हैं। तो ये दोस्तों रहे आपका विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।